काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर है। बता दें कि सीधी के बाणसागर नहर में एक नाबालिग लड़की के शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा शव का बाहर निकाला गया है। जिला के अमिलिया थाना के अंतर्गत शुक्रवार का यह घटना घटी। वंदे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे स्वजन का प्रणाम कहते शुरू कही तो बड़ी खबर छ। बता दें कि सीधी जिला के अमिलिया थाना के अंतर्गत बिठौली में शुक्रवार का ग्रामीणों के द्वारा बाणसागर नहर से एक नाबालिग युवती के शव बरामद किए गए। एक जानकारी ग्रामीणों के द्वारा गांव के सरपंच के दिन गए। सरपंच के द्वारा जानकारी पुलिस के दिन गए। किशोरी के शव ग्रामीणों के द्वारा बाहर निकाला गया। पुलिस के द्वारा शव का बरामद करके पंचनामा करवावा गया है। शव को पोस्टमार्टम के खातिर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 17 साल 8 महीना रही। नाबालिग लड़की के नाम मुन्नी पिता राम बहोर प्रजापति लहिया डिहुली थाना के कमरजी के निवासी बतावा गा। घटना के बारे में लड़की के परिजन का सूचित कह दिन गा है। जबकि मृतिका के पिता राम बहोर प्रजापति के मुताबिक उनकर बेटी गुरुवार शाम 5 बजे घर से निकली रही, जिसके बाद वापस नहीं आई। रात भर खोजबीन की गए लेकिन नहीं मिली और अचानक मौत की सूचना मिली है। नाबालिग के अमीर शव बरामद होने के कारण परिजन में मातम के माहौल है। सजग रही, सतर्क रही, रखी अपन और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, नमस्कार।